पूरे पाकिस्तान पे छा गया है, वो भी आएगा आपके सामने, आप उससे भी सवाल जवाब करेंगे। पहले आप उनको सुनिएगा, मैं कम बोलूंगा वो लोग ज्यादा बोलेंगे, और ये आपके लिए खुशखबरी है। अब बस बहुत थोड़ी देर में आपके सामने स्टेज पे जलवागर होंगे। मैं बुला रहा हूँ सीनियोरिटी वाइज सबको। सबसे पहले मैं मुनव्वर सईद साहब, बड़ा नाम जाना पहचाना, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए, बहुत सारी तारीफों में उनका इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फतूहत है उनकी पाकिस्तान शोबिज में और हर फील्ड में, रेडियो पे, स्टेज पे, फिल्मों में, टेलीविजन में बहुत उमदा अदाकारी की उन्होंने, और उनका एक मुकाम है हमारी पाक शोबिज में। फिर मैं नेक्स्ट सीनियर जो है सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, एक मशहूर नाम, मोमिना जुनेद प्रोडक्शंस और हम टीवी की चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन एंड चेयरपर्सन, एंड शी इज डन अ लॉट पीटीवी जमाने से। मैं उनको, उम्र आ जाती है सामने, मैं 72 साल का हूँ, नो इशूज, 56 साल से तो मैं उनको जानता हूँ, जब से मैंने अपना कैरियर शोबिज़ का शुरू किया। बैंकर हूँ मैं, मगर शौक में अदाकारी में घुस गया था उस सुल्ताना सिद्दीकी का साहबा। और उसके बाद लाइन जा रही है सीनियोरिटी में, तो कभी तो है शनाज शेख, कभी मरीना खान है, हसीना की हुई हीरोइन है, क्यों इतनी शैतान है, तो मरीना खान भी आई, वो बहुत मुश्किल से काबू आती हैं, मगर आ गई क्योंकि हमारे उनसे बहुत पुराने, उनके शौहर हमारे बड़ा मिलना जुलना। और फिर उसके बाद मैं आपके सामने परीजात को बुलाऊँ, जिसने पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है, अहमद अली अकबर उर्फ परीजात। और उसके बाद परीजात ही के कैरेक्टर जो है वो तशरीफ लाएंगी उष्णा शाह। इनके जब आए आप लोग इनको स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा, इनका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम अपना शो शुरू करें। तो जनाब, अब मैं खुशामदेद कहने जा रहा हूँ, मुनव्वर सईद साहब पहले तशरीफ लाएंगे। मुनव्वर भाई तशरीफ लाइए, मुनव्वर सईद साहब, द लीजेंड, लिविंग लीजेंड ऑफ पाकिस्तान शोबिज इज टू एंटर द स्टेज नाउ। मुनव्वर भाई तशरीफ लाइए। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा तशरीफ लाइए। मुनव्वर भाई आप इधर आ जाइए, हाँ बस यहाँ, ये इधर इधर यहाँ आ जाए आप, सुल्ताना तुम इधर, मुनव्वर भाई के साथ आप उधर आइए, नहीं नहीं मुनव्वर भाई आप उधर आइए सुल्ताना। अब मैं, कभी तो है शनाज सिंह और कभी मरीना खान है, तशरीफ लाइए मरीना। And then, ladies and gentlemen, the one and only Parizad Ahmed Ali Akbar. Yeah, and then he's going to help Ushna up now. Come on, Ushna. A very warm welcome to Ushna Shah. Ahmed is right here. I will begin immediately, because I have rockets coming out of my eyes, Raila Bakai, when the time over होने लगता है। बड़ी खतरनाक खातून है भाई। खातून हजरात, मैं शो का आगाज करता हूँ। आपको पता है टीवी ड्रामे के बदलते नकूश, बदलते चेहरे, बदलता जमाना, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी थी,
हम उसको शोबे से ज़रा अलग रखते हैं और मुतलिक करते हैं शोबे से ज़्यादातर टेलीविज़न को और स्टेज ड्रामों को और टेलीविज़न के बदलते नकुश पे और अदाकारों के और प्रोडक्शन के बदलते नकुश चेहरे और तरीक़ों पे आज गुफ्तगू हुई थी। और उस पे जो बड़े बड़े सीनियर यहाँ बैठे हैं और जूनियर भी बैठे हैं, मगर जूनियर नहीं रहे वो भी सीनियर ही हो गए माशाल्लाह, उन सब से बड़े तफसील से उनके ख्याल किए जाएंगे। पहले मैं मुनव्वर सईद साहब को तकलीफ दूंगा कि आप मुनव्वर भाई मुझे बताइए, रेडियो पे माशाल्लाह 60s अर्ली 60s से, उसके बाद स्टेज पे कौन से आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के स्टेज ड्रामे नहीं किए और कौन कौन से? उसके बाद भी थिएटर से शुरू किया ना, स्टेज से शुरू किया। अच्छा, स्टेज से शुरू किया, फिर आप टेलीविजन पे आए, रेडियो पे, फिर टेलीविजन पे। टेलीविजन में मुझे भी एजाज हासिल है, मैंने आपके साथ बहुत प्ले किए। एक प्ले में तो आप मेरी गोद में गिर के मरे हैं, वो शौकत सिद्दीकी का ड्रामा था तांतिया। इसीलिए मरने का शौक है मुझे, मैं आज भी इसीलिए आया हूँ। अच्छा, मैंने इनसे कहा था कि देखिए मजा रहेगा बीच में, क्योंकि ज़्यादातर मज़ा मैं हुमायूं सईद के साथ करता हूँ, मगर वो ज़रा जा रहे हैं, मैं लंदन नहीं बनाऊँगा, बनाने के लिए जा रहे हैं बाहर मुल्क से। मनोहर भाई, आपने मैंने जो जैसे बताया आपके ज़माने से, और आप तो आज के ज़माने में भी हैं और आजकल भी आपकी बड़ी सीरियल आ रही हैं माशाल्लाह, आप काम कर रहे हैं, और आपने क्या महसूस किया कि कहाँ से चला था और कैसा रहा सफ़र, और क्या कुछ आपने चेंज महसूस की? देखिए, चेंज तो है क्योंकि ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। तब्दीलियाँ तो आती रहती हैं, अगर तब्दीली ना आए तो वो अपनी जगह एक तरीके से काम जो है वो जम जाता है। तो तब्दीली तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब्दीली भी दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो अच्छी तब्दीली की ख्वाहिश रखनी चाहिए हर शख्स को, और अच्छी तब्दीली करने में कभी कभी कुछ बुराई भी हो जाती है, जो कि आजकल हो रही है। आजकल भी तब्दीली की कोशिश की जा रही है। ये मेरे साथ बैठी हैं हमारी बहुत प्यारी सुल्ताना, इन्होंने बहुत तब्दीलियों की कोशिश की है, तो उस कोशिश में कहीं कहीं ठोकर भी लग जाती है, तो उस ठोकर से हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं कम से कम ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी काम अच्छा करने की कोशिश हो रही है वो अच्छा ही होगा, चाहे उसमें कुछ वक्त लगे। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक है, तुमने कहा था कि वो हाँ वो तो नहीं कह रहे, टेलीविजन जब PTV शुरू हुआ late 60s में यहाँ कराची में, तो उस वक्त बड़ी मेहनत से सब लोग मिल के काम करते थे, लिखने वाले भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत काविशों से लिखते थे, बहुत कोशिश करते थे कि अच्छा लिखा जाए। प्रोड्यूसर्स भी, प्रोड्यूसर से मुराद उस वक्त जो डायरेक्टर होता था वो टीवी में प्रोड्यूसर कहलाता था। तो प्रोड्यूसर अब के प्रोड्यूसर की तरह नहीं कि जिसका पैसा लगता है वो प्रोड्यूसर है और जो मेहनत करता है वो डायरेक्टर है, नहीं, उस वक्त प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही होते थे। ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, तो डायरेक्टर्स भी इस कदर मेहनत करते थे कि मैंने ये देखा है कि जब शुरू हुआ TV तो मैं बिल्कुल शुरू के लोगों में शामिल था। आगा नासिर यहाँ कुछ अरसे के लिए GM हो के आए थे बुखारी साहब के बाद, और फिर यहाँ असलम अज़हर रहे, नहीं कुछ अरसे आगा नासिर रहे थे, ऑफिशिएट किया था उन्होंने, उसके बाद असलम अज़हर रहे, बड़े काफ़ी अरसे रहे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ा अच्छा काम हुआ उस ज़माने में। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, मैंने ये देखा है कि मैं एक ड्रामा कर रहा था
नाम याद नहीं आ रहा, उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे अमीर इमाम, और हमारे उस ज़माने में ये असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे मोहसिन अली, ज़हीर ख़ान वगैरह 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 ये सब। तो मैंने ये देखा कि जब उसके सिलसिले में तैयारियाँ की जाती थी, रिहर्सल्स होती थी, यानी कम से कम 4-5 रिहर्सलें होती थी ड्रामे की मूव्स के साथ, एक डमी सेट लगा के। तो जब डमी सेट लगाया जाता था तो ये सारे के सारे, सिर्फ अमीर इमाम नहीं बल्कि इनके साथ ये सब मिलके ज़हीर खान और अपना ये मोहसिन अली वगैरह वगैरह ये सब उनके साथ मिलके काम करते थे। इशत अंसारी ये मिलके काम करते थे, क्या काम कि झाड़ू भी लगा रहे हैं, चीज़ें उठा उठा के रख रहे हैं, यानी किसी को ये एहसास नहीं था कि नहीं मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्यों करूँ, नहीं, सब मिलके करते थे। नतीजा ये होता था कि जब सब मिलके एक काम के पीछे पड़ जाते थे तो वो काम भी ऐसा होता था कि जो आज भी हमारे जहनों में मौजूद है और हमें याद है। आपने बहुत सही अकासी की जो बदलते नकुश के तहत कि पहले क्या था, और चूँकि आजकल भी आप बहुत इन हैं प्राइवेट प्रोडक्शन में और सारे ड्रामों में, तो आपने उसको भी अक्कासी बहुत अच्छी की। यहाँ एंटर होती हैं सुल्ताना सिद्दीकी। अब मैं सुल्ताना आपसे ये पूछूंगा, आप तो माशाल्लाह प्रोग्राम मैनेजर रही हैं पीटीवी की, आपने मरकतुल आरब प्रोडक्शंस की हैं, सिंधी ड्रामे की भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन की हैं आपने, मारवी आपका था, आपने इंट्रोड्यूस कराया मेरे ख्याल में ये मानूर बलोच को आपने इंट्रोड्यूस कराया, ये आपने, फिर उसके बाद आज का जो आपका एक कलीदी किरदार है, और आप तो एक पेश हैं, अप फ्रंट हैं एक वुमन अजुरैत प्रोडक्शन, और हम टीवी पे लाफानी ड्रामे आप पेश कर रही हैं, सीरियल वगैरह आपके तहत उस ज़माने में और आज के दौर में क्या बदलते चेहरे नज़र आए हैं और क्या बदलता सिस्टम नज़र आया? बटन ऑन करना। इसमें जो एक चीज़ मनोहर साहब ने भी कही कि तब्दीली तो आई है और तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो इंटरटेनमेंट चाहता है शुरू से लेके अब तक, और जब तक ये जो है चेंज नहीं आए और नई नई चीज़ें नहीं आए तो लोग बोर हो जाते हैं। उस वक्त के साथ जो चेंज आया है वो बिल्कुल सही आया, और जो आपने कहा कि क्या तब्दीली आई, उसमें ये है कि देखें अगर मेरे ड्रामे अच्छे हैं तो मैंने टीवी से सीखा जी, वही उसमें वो जो आपने कहा कि ग्रुप में बैठ के सीखते थे, बातें करते थे, तो मैंने वहाँ से सीखा, लेकिन और हमारे जहनों में बहुत सी चीज़ें भी रहती थी, तो जब मैंने ड्रामा शुरू किया तो मैंने ये जहन में तय किया था कि मैं अगर करूँगी तो अपनी सोसाइटी से चीज़ें उठाऊँगी। उस वक्त सास बहू के प्लेज आपको पता है चले जा रहे थे इंडिया से, तो और अपने ही मुआशरे की, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ और ऐसी चीज़ करूँ जो एजुकेट भी करे इंटरटेन भी करे, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें इसलिए मुमकिन होंगी कि ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा थी और वो बहुत हसास होती हैं, बड़े उस तरीके से सोचती हैं, तो हमने एक तो ये चेंज आया। दूसरा जो पीटीवी में आपने कहा उससे क्या चेंज है, देखिए उसमें 13 एक प्रोग्राम चलते थे, यानी 13 एपिसोड चलते थे, उस 13 एपिसोड में 3 तो एपिसोड ऐसे होते थे जिसमें कहते थे कि हम अभी तो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं अगर करें तो लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम तो उठाते ही वहाँ से हैं जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, और जिस तरह दुनिया में तेज़ी आई है इस तरह से ड्रामों में भी तेज़ी आई है, तो हमने ऐसे ऐसे ड्रामे किए जो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को चेंज किया, और आपने देखा अभी तो परिजात का वो शहजादा भी बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया ने। इसी पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपसे मुतालिक आपका, मेरे वालिद का एक शेर है, जिसे ये छूले बने ये वो सोना, आप रहें खाली हाथ, आली जी का नाम पड़ा है मिर्ज़ा पारसनाथ, तो आपके हाथ में वो कौन सी पारस पत्थरी है कि जब आपने अपना हम सफ़र प्ले किया तो माहिरा को आपने कहाँ से तलाश किया और कैसे आपने एज्यूम किया कि ये हाइट्स पर पहुँचेगी? ये एक
बात है, महाराज तो खैर पहले भी आर्टिस्ट थी, विजय थी, वो तो आरजे वगैरह, ये पाकिस्तान की खसूसियत है। चाहे ये मरीना बैठी हो, हम लोग तो देख के और करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो उसमें नजर एक नजर आ जाता है। जब अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप हैं तो आपको नजर आता है कि इसमें वो गुण वो चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, फिर मिन्नतें करके लाते हैं। तो हमने हम सफ़र किया, ज़िंदगी गुलजार जब मैंने किया तो मुझे सही लोगों ने कहा कि सनम से कैसे उर्दू का प्ले इस तरह से कर सकती है। जी जी जी, लेकिन ये पहचान तो होनी चाहिए। यही तो चेंज नज़र आई है, उस ज़माने में तो टाइप कास्ट हो गए थे ना लोग, उस ज़माने में तो थे ही महदूद, तलत हुसैन, मनोहर भाई, बहुत बड़े महमूद खामोदी, नीलूफर अलीम अब्बासी, ये सब ज़माने के सेठ, जीनत यासमीन, सुम्बुल वगैरह, ये सब चला रहे थे पूरी इंडस्ट्री, और जमशेद अंसारी वगैरह। एक चीज़ मैं सॉरी मैं आपको कट नहीं, आप क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगी कि उस वक्त वीक में एक ड्रामा चलता था जिसको लोग बैठ के देखते थे, अगर एक ही चैनल था, एक ही चैनल था तो वो उसके लिए इंतज़ार करते थे पूरा हफ्ता। अब हम हफ्ते में 21 ड्रामे चलाते हैं, 21, उसमें अगर इस तरह के नाम याद रह जाएं, जिस तरह आपने अभी कहा था शहरज़ाद का कहा, या और बहुत से नाम हैं, या दास्तान हमने जब बनाया था जो कि एक हिस्टोरिक प्ले था, पीटीवी में जब हम करते थे तो वो हम सेट लगाते थे और उसमें गत्ते के वो ताज पहनते थे, रियलिटी से ज़रा दूर था। लेकिन जब दास्तान हमने किया तो हमने जो है वो जाके लोकेशंस पे की, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बिल्कुल जैसा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। मैं आपके बाद मरीना खान वो हैं शख्सियत जो ड्रामे और अदाकारी की नाम ले अगर इनके सामने कोई, तो ये बहुत स्कॉर्नफुली देखती थीं, और मैं उसका एक तजर्बा हासिल किया हुआ आदमी हूँ। मैं यूनाइटेड बैंक खैबान शमशीर ब्रांच का मैनेजर था, और ये बात है 81-82 की। इनके वालिद साहबजादा एयर वाइस मार्शल रहमत खान साहब रिटायर होकर आए थे एयरफोर्स से, तो वो मेरे कस्टमर थे और मेरे बड़े वैल्यूड कस्टमर थे, और मेरे उनसे बड़े अच्छे थे। ये आया करती थी एक छोटी सी चीज़ उनके साथ, इनके भाई जरक जो माशाल्लाह 777 उड़ा रहे हैं और कप्तान हैं, तो और इनकी वालदा आंटी एन, और बहुत उनसे मेरी उनसियत हो गई थी। तो मैंने एक दिन ये बैठी थी अपने हाथ में किताब लेके कोने में बैठी होती थी, इनके वालद डील किया कर रहे होते थे, तो मैंने इनको देख के कहा कि बीबी आपने कभी सोचा कि कुछ टी वी में घुसे हैं? तो इन्होंने मुझे बखुदा यूँ देखा, नेवा। तो मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा यार मैं मैनेजर हूँ, मेरे कस्टमर है, पत्नी को बुरा मान जाएंगे वो। मैंने कहा एवीएम सर, कहा यस व्हाई नॉट गो एट डू इट, नेवर आई कैन नेवर डू दैट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैंने कहा अच्छा भाई माफ़ करो, तो मेरी कस्टमर हो ये। फिर शहजाद खलील ने इनको ढूंढ लिया और राशिद मनाज शहीद में लाए, और इनको एक ऐसा कैरेक्टर दिया कि जो इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया, हालांकि दो डायलॉग थे उसमें सिर्फ, और ये राशिद की फैन से बनी थी उसमें, और ये इनकी इब्तदा थी। मेकअप असल जो इनका चढ़ान हुई है वो हसीना मोइन को के प्ले तन्हाइयां में इन्होंने सनिया का कैरेक्टर किया था शहनाज शेख के साथ, जो ज़ारा बनी थी। मरीना, योर डायरेक्टर नाउ, योर डायरेक्टिंग प्लेज नाउ, माशाल्लाह यू हैव बीन एंकरिंग वेरी वेल, आपने बड़ी अच्छी एंकरिंग की है, बहुत से मॉर्निंग शोज वगैरह की, I have been your guest also. You came to the showbiz and the PTV at the time when it is grown up and it was yet growing. So, us zamane se aur is zamane mein, what change have you seen for the good and for the bad both? I think when I joined, माइक ज़रा करीब कर लें। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त आई थिंक ग्रो एज सच नहीं कर रहा था, बट इट वॉज सॉर्ट ऑफ ऑन द डिक्लाइन, बिकॉज जो आप लोगों ने पहले बात की कि पहले रिहर्सल्स होती थी, हमारे टाइम पे भी, मेरे टाइम पे भी रिहर्सल्स होती थी, लेकिन उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना पहले होता था। कमर्शियलिज्म हैड कम इन, एड्स वगैरह आना शुरू हो गए थे, बट एक स्ट्रक्चर वहाँ था, आप
मीनिंग हमारे लिए, मेरे लिए तो इट वाज अ लर्निंग, इट वाज अ प्लेस वेयर यू वेंट एंड यू लर्न्ड बिकॉज योर डायरेक्टर्स वर योर टीचर्स. व्हाट आई सी नाउ इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू किड्स ऑन देयर फिंगर टिप्स, तो वहाँ से वो लोग बहुत सीखते हैं. लेकिन जो जो इसका जो डिसिप्लिन, इसका जो क्राफ्ट है, वो थोड़ा सा हमारा पीछे रह गया है. हर शोबे के साथ, हर चीज के साथ एक डिसिप्लिन आता है. मीनिंग व्हाट? डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग योर लाइंस, बीइंग ऑन सेट ऑन टाइम. एक अगर हम लोग किसी स्कूल या कॉलेज में ये पढ़ते तो हम डायलेक्ट सीखते, हम स्टाइल ऑफ एक्टिंग सीखते. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी. प्लस आई थिंक जो आपका स्क्रिप्ट है वो बहुत डिक्लाइन कर गया, विच आई फील एंड डिक्लाइन टू द पॉइंट दैट आई डोंट मीन इट इन अ नेगेटिव मैनर. इट्स ऑल्सो द डिमांड ऑफ चैनल्स नाउ. अभी आप जब देखते हैं तो आप मीनिंग वेन यू सी समथिंग लाइक परिजात, स्ट्रेट अवे हियर इज अ कैरेक्टर, राइट, हु इज एन एजुकेटेड कैरेक्टर जो पोइट्री करता है. दैट सेट्स द टोन ऑफ द एंटायर. दैट्स राइट. यू नो वेयर यू सी अ वुमन गोइंग चैं 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 एंड अ गाय गोइंग चैं 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 चैं, तो वो सेट कर लेता है टोन कि भाई ये जो ड्रामा है ये इस किस्म का होगा, या जहाँ मार कुटाई हो रही है, या यू नो. सो this kind of drama where there is a story, where there is structure, where there is characters, I feel that is something that we have lost along the way. I think we're going to have some questions from the people sitting here on the point you have made right now, but let me also further the matter by saying ke Marina, aapne, now you're a director and currently you're directing a play. Ji. I know. Are you keeping all those things in mind? I try to. That's but right. Now no, no, okay. I have an answer for that because now it's too many cooks, right? A channel dictates, production house dictates. A director is now just a director. He's a technician for hire. They need a good director to make a frame look good. Or I'm not saying that all directors are like that, but there is a dictation that comes along with it. लाइक आप अगर कहते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ इंजेक्ट करना चाहता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग इट वाज ऑल इन आवर कंट्रोल. वी कुड टेल द स्टोरीज वी वांटेड टू टेल, वी कुड कास्ट द एक्टर्स वी वांटेड टू. नाउ ट्राइंग टू गेट न्यू कास्ट इज जस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू हैव दोज नेम्स टू सेल द प्ले, वेदर दैट पर्सन सूट्स द रोल और डजंट सूट द रोल. So the director has also taken a step back. Very fair point, fair point. Point taken. Thank you very much. Very good point in fact. Yaar tum kahan se aaye ho yaar? Ki bahut pehle se aaye hain. Peshki mein baat karungi ki jaise ye keh rahe hain ki naye log aa jate hain aur bade bade chehre liye jate hain jo famous chehre hain. Iske sath ek aur cheez hai jo अच्छा डायरेक्टर वो रिस्क भी लेता है, प्रोड्यूसर भी रिस्क लेता है. हम कॉन्स्टेंटली रिस्क लेते हैं. लेते हैं? मैं कॉन्स्टेंटली लेती हूँ. जैसे आपने खुद कहा कि फला को कहाँ से ले आई, तो नए नए यहाँ परिजात को भी, अगर मैं तो ऐसे ही बार बार परिजात कह रही हूँ तो सामने बैठा हुआ अहमद, आप वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसमें कुछ सेंस भी होना चाहिए. दूसरी एक जो इन्होंने बात की थी उससे मैं थोड़ा सा ये उसको बढ़ावा दूंगी कि हमारे पास रिहर्सल कैसे हों. यहाँ तो लोग टाइम की कदर नहीं करते. अगर मरीना को 9 बजे कहा जाता था तो 9 बजे आ जाती थी. अब मरीना अगर लोगों को कहेगी 9 बजे तो नए जो आए हैं, जो अनट्रेंड बच्चे, मैं माजरत के साथ बहुत उनको समझाती भी हूँ, फोटोग्राफर साहब, वो कभी टाइम पे नहीं आते. तो ये भी एक चीज है ना, 9 बजे आ जाती हम लोग, क्योंकि वहाँ बेटी भी पे आप नहीं मैंने खुद देखा है. अब सुल्ताना आपा कोई नहीं, इट्स नॉट इवन लाइक अगर आप कहें ना कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई सेट एट 9 o'clock, नहीं मरीना प्लीज देखो 12 बजे से पहले. 12 बजे क्या काम शुरू होता है? दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू आस्क एवरीवन. वी हैव बिकम अ सोसाइटी व्हिच वेक्स अप एट नाइट एंड स्लीप्स इन द मॉर्निंग, वेयर इज द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क हैपेंस इन द मॉर्निंग. जी अब बच्चे सीरियस नहीं है, पैसे में सीरियस है, इट्स वर्किंग में नहीं है. थैंक यू सुताना, मैं यही चाह रहा था कि किसी तरह मुठभेड़ हो तो बात हो और उसमें से कोई चीज निकले. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. बिफोर आई प्रोसीड टू समबडी अमेजिंग, आज का शो जो है ये मेरा
जो OUP KLF का है, आई लाइक टू डेडिकेट इट टू द वन एंड ओनली हसीना मोइन. मियां 56 साल से अदाकारी कर रहा हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ. तुम कहाँ से आए हो यार? पिंडी से जी, पिंडी बॉय. पिंडी से आए. ये कुछ अपने बारे में बताओ, उससे पहले के कुछ हम तुमसे सवाल करें. पहले तो हम सवाली हैं, तुम जवाब दो. तुम बताओ कि ये परिजात का रोल जब आपको शहजाद चौधरी है ना, शहजाद कश्मीरी, कश्मीरी उसने मुझे भी डायरेक्ट किया, आना में वही आना वाला है जी जी, उसने आपको जब अप्रोच किया और आपको स्क्रिप्ट दिखाई तो आपको बहुत यकीन था कि आप इसी उरूज पे पहुंचेंगे अपनी अदाकारी की या नहीं? मैंने तो रिजेक्ट कर दी थी स्क्रिप्ट. है? जी मुझे समर्स में ऑफर हुई थी, जब मैंने 2 एपिसोड पढ़ी और मैंने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन देखी तो मैंने भी सवाल किया कि मुझे ये ऑफर ही क्यों किया गया है. द पर्सन डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल. एंड मैंने नहीं रिजेक्ट कर दी. 4-5 महीने में और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था. फिर मेरा मैनेजर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त सलमान और जो AD हैं परिजात के, जाहिद, उन्होंने कहा आप ओक ही स्क्रिप्ट का इंतज़ार करते हैं तो आपको दे दिया, पढ़ तो लें एक दफ़ा. फिर जब मैंने पढ़ी तो देयर वाज सो मच मोर एंड देयर वर सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स. इनफैक्ट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके इश्यूज शायद परिजात से भी ज़्यादा डीप हों. Tell me very frankly, you knew that the way it started everything and as it's progressed the recording, you knew that you were going to hit. No, I knew the script was special. I was very sure ke kuch stand out karegi, but itni shohrat, itni izzat, aur main sara credit awam ko deta hu jinhone samjha aur usko appreciate kiya. To wo एक सरप्राइज भी था क्योंकि हमारा नहीं ख्याल था कि सारी स्क्रिप्ट्स इतनी मशहूर होंगी, इतनी एक्सेप्ट की जाएंगी. अहमद, आपके मेकअप में कितना टाइम लगता था? 15 मिनट हैं. पहले दिन 30-35 मिनट, बट उसके बाद जब एक दफ़ा करना शुरू किया तो 12 मिनट चेहरे पे और 3 मिनट हाथों पे. To be precise. What did you, I mean, you have been doing plays since 2012, I believe. जी, थर्टीन. You did your first play. जी. Which was that? एक मैंने बचपन में भी किया था, when I was 12 or 13. वो कौन सा था? उसका नाम था Stop Watch. किसका था? PTV. इस्लामाबाद. जी जी. हिंदी. जी. अच्छा अच्छा. तो बट उस वक्त मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट और एक इतना शाय बच्चा था कि मुझे लीड से सेकंड लीड रोल दे दिया गया. कुछ याद है किसके साथ किया था? लैला जुबैरी थी उसमें. ओ अच्छा जी. ओके. शोएब सादिक का लिखा हुआ था. पुराने पापी हैं आप जी. बट मैंने फिर सोचा नहीं था कि मेरा करियर बनेगा प्रोफेशनल. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये तो कोई उसके कोई 18 साल बाद जाके. इसको मतलब आपने पुराने दौर को भी थोड़े बहुत प्लेस देखे हैं? बिल्कुल देखे. और इस बहुत कुछ बदल गया है जी. आपका क्या ख्याल है उसका? बिल्कुल बदल गया है, बहुत बदल गया. उस वक्त कम प्लेस होते थे. जब कम होते हैं तो तवज्जो ज्यादा दी जाती है, टाइम ज्यादा दे सकते हैं. जब एक चीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चली जाए तो फिर मशीनरी की तरह निकलती रहती है, निकलती रहती है. उसका भी फायदा है बट उसके नुकसान भी हैं. आप फिर वो तवज्जो नहीं दे सकते. और ये आर्ट है, इसमें अगर आप सोल नहीं डालेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट इट विल बी फास्ट फूड. यू नो, यू डोंट वांट टू मेक फास्ट फूड, यू वांट टू मेक अ स्टेक दैट यू वांट टू कम बैक टू. यू नो, एक रेयर स्टेक बनाना होता है. सो यू डोंट वांट टू टर्न आर्ट इनटू फास्ट फूड. एंड मैं देखता हूँ कि अब फार्मूला बेस्ड चीज़ें भी होती हैं. एक चीज़ मशहूर हो जाती है फिर कोई 10-15 चीज़ें उसी पर आती हैं, विच इज़ फाइन, बट ओरिजिनैलिटी लूज कर जाती हैं. आई थिंक प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है. प्रोसेस ही मैंने समझा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है. जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो वो तो सबसे कम अमाउंट्स ऑफ टाइम होता है. मतलब हम 50 या 60 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. सारी चीज़ पहले बन चुकी होनी चाहिए. मतलब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो आपका 50% काम हो चुका.
तो वो बाकी 50% जो है वो फिर आप कास्टिंग में, एक डायरेक्टर का आधा काम वहाँ हो जाता है जहाँ वो अच्छी कास्टिंग कर ले, एक अच्छी कास्टिंग, वो भी एक बड़ी मुश्किल डिसीजन होती है। आपको इस कैरेक्टर के लिए लोकेट किसने किया था? सुल्तान हु लोकेटेड मोमिना, I have to give it to her. Yeah. She trusted me. She's like, Ahmed has to do it. मैंने ना किया था, उसके बाद they came back and they're like, you have to do it. Ladies and gentlemen, I'd like to give you a big hand for Momina Duraid, who's doing a wonderful job with the production of very fantastic plays. A huge clap for her. Yes, मोमिना ने मुझसे बात की थी इसके बारे में, तो मैंने कहा था बहुत अच्छा एक्टर है। कहती है हाँ, मुझे लोग कहते हैं फवाद को दो, लेकिन फवाद जो है, तो जब मैं, मुझे मोमिना को इतना भरोसा था इस पर तो, और मुझे भी था इस पर, तो मम्मी ने कहा ये करें, तभी वो शहजाद कश्मीरी लग रहा था इसके पीछे, मुझे बताया था शहजाद। लेकिन इसको मैं शाबाश दूंगी और कैरेक्टर बनाने वालों को भी कि देखें रोज़ाना ये जो एक्टर होता है ना वो करता है, हमारे पास जो हीरो होता है वो ये चीज नहीं करता रोजाना मेरे फेस को। जो एक्टर होना बहुत बड़ी बात है, हीरो होना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आई विश यू गुड लक अहमद। थैंक यू। एनीथिंग न्यू कमिंग अप? जी, आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म एट द एंड ऑफ दिस मंथ, हम शूट करेंगे। अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जी, फ्रॉम लाहौर। ओके। मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं नहीं, वो आपको करना भी नहीं चाहिए। बट आई विश यू गुड लक विद दैट। थैंक यू वेरी मच। उष्णा शाह, आई बिलीव यू आर अ नेटिव ऑफ कनाडा। आई एम, बट आईड लाइक टू ऐड दैट आई हैव एक्चुअली बीन वर्किंग इन ड्रामास इवन बिफोर अहमद, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ। आई जस्ट फाउंड आउट अ फ्यू डेज अगो, मैं अपनी बहन, माय सिस्टर्स एन एक्टर, हर नेम इज इरशा फजल। So I was shooting a drama with her. It was our first day. Yeah, and I said, Kiji, we're shooting for the first time together. And she said, no, second time. When my mother, also an actress. Oh, she's a radio artist also. Yes. Big radio artist. So when she was expecting me, my sister and her did a drama together, which technically makes me a veteran at this point. So how did you find working with Ahmed in Parizad? Ahmed and I were actually friends prior to this. We'd known each other for a few years, quite a few years, I think since 2013. And I recall having many conversations where I would say, you're putting in your dues more than anyone else and it's going to pay off. I remember having these conversations with Essen Rahim Bhai, who's a renowned director. And everybody just kind of knew, anyone who knows Ahmed, aside from being a fantastic friend and human being, just knows that he never rushed it. He never tried to sell his soul for the big roles. He was so true to his art. And you know, like he said, he's a well-marinated steak. And it came out great. Very good. Now that you mentioned that you've been watching plays and you've been coming in plays before Ahmed, and what kind of badalte nakush, or what you mean change, have you found? And you observe? Well, sir, I did grow up in Canada for the most part, but a lot of my life was spent on PTV sets with Mama and my sister, and also theater in Pakistan. And like Marina ji said, ke there was a patience and a love for the art that I feel like diminished for a bit, because I remember there were rehearsals and there were blockings that my mother used to attend. I feel like that is now coming back. I joined the industry about 9 years ago, eight, nine years ago, so it's been almost a decade, and I joined when I was part of that hoopla, the economies of sale, the mass production of dramas. And now, and from what I've learned, is that narrative is the number one thing. So now that we're making, and Hum TV always has, making these incredible narrative-based dramas, such as the one I did, Alif Allah Insan, such as Parizad, such as this one that's brilliant, based on that brutal tradition, people pay attention. The one with Kubra and Atif, and that brilliant one. So people are paying attention. And when money, the M word, when that's spent on narrative-based dramas, it just goes to show that it works out brilliantly. So I feel like producers need to take a leap of faith on something that's good and not just churn out everything. And now, especially with the OTT platforms coming in, now there is money. Now there's a lot of money. And when there's good content and that, I think it'll pay out. Like Mahira Khan just produced this drama, and yesterday, I believe,
there were 1,000 views per minute. ये जो इन्होंने बार बार खिलाड़ी किया 1,000 views per minute all over the world. उस्मान मुख्तार वाला नहीं खाकान और दानियाल जफर. This is an OTT platform. आप बताइए आपको आप जी आप बोलो. बहुत अच्छा बोली होगी उष्णा हमारी बेटी, लेकिन प्लीज मेरे लिए कम से कम इसका उर्दू तर्जुमा भी सुन ताकि समझ. अच्छा ये बताओ कि तुम डायलॉग रोमन उर्दू में पढ़ती हो या? बिल्कुल भी नहीं, मैं डायलॉग उर्दू में पढ़ती हूँ, मुझे वक्त लगता है. मैं जब पहला स्क्रिप्ट अपनी वालिदा के पास लेके आई और मैंने कहा इसको रोमनाइज कर दें, उस वक्त मेरा एक्सेंट भी बहुत कैनेडियन था, तो उन्होंने कहा कि मेरी नाक कटवाओगी तो चुप करके सीखो, और मैंने सीखी. एंड मैं उर्दू में पढ़ती हूँ, और मैं फिर से बता देती हूँ कि जी जब नैरेटिव बेस्ड, मुझे इसकी उर्दू नहीं आती, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन जब अच्छी कहानी. आपकी वालदा तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बहुत पाए की सदाकार थी, मुझे याद है. तो आपको उर्दू आराम से? घर में तो उर्दू बोली जाती थी, बस एक डायलैक्ट था थोड़ा सा मेरा ख़राब कैनेडा, और पढ़नी नहीं आती थी, वो मैंने आके सीखी. और जब तक आप उर्दू का स्क्रिप्ट उर्दू में नहीं पढ़ते तो वो बात नहीं बनती है, वो लैंग्वेज में पढ़ना ही ज़रूरी है. मरीना, आप व्हाट डू यू थिंक के अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है शोबिज का और ड्रामा इंडस्ट्री का, जिस तरह से वो पनप रही है, जिस तरह से वो कामयाब हो रही है, आप समझती हैं कि ये जैसे अक्सर देखा जा रहा है कि मायरा को तो मैंने नहीं देखा बाद में हम सफ़र के बाद में किसी और एक बहुत ही हाई लेवल के सीरियल में आते हुए, वो ज़रा फिल्मों की तरफ नहीं है वो, हम कहाँ के सच्चे. ठीक है मगर जैसे पहले ज़माना था ना कि टाइप कास्ट बन जाते थे, और वो आप क्या देख रही हैं मरीना, आगे ये टाइप कास्ट चलेगा या नए लोग आने शुरू हो रहे हैं और आप लोग नए लोगों की तरफ निगाहें रख रहे हैं? आई थिंक लाइक अहमद से जब स्क्रिप्ट जो है ना, हमको स्क्रिप्ट अपने ठीक करने हैं. एवरीथिंग इज द स्क्रिप्ट. आपके पास जब अच्छा स्क्रिप्ट होगा, अच्छा कैरेक्टर होगा, आपका एक्टर वो चीज़ परफॉर्म कर सकता है. जब आपको एग्जैक्ट मीनिंग लाइक अभी जो स्क्रिप्ट आते हैं दे आर जस्ट वेरी प्लेन, नथिंग इज रिटन दैट दिस इज अ कैरेक्टर, ही कम्स फ्रॉम हियर, दिस इज वॉट हिज चाइल्डहुड वॉज लाइक. और इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, every character has to have a background. mera kehne ka jab tak nahi, jab tak aapke scripts behtar nahi honge, scripts change nahi honge, acceptability nahi aayegi un scripts ki, I think the process will happen but it will happen slow. mera kehne ka maqsad ye hai sultana, aapse bhi kai log hain jo rasai hasil nahi kar pa rahe apne aap ko batane ke liye ki dekhiye hamare andar ye talent hai, unki nazar mein hai aur ho sakta hai ho zarur, वो रसाई नहीं पहुँच हो रही. लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और अच्छे हैं, और मुझे बेतहाशा मैसेंजर पे और व्हाट्सएप आते हैं कि देखिए हम अदाकारी करना चाहते हैं, इससे कह दें उससे कह दें, तो मैं जवाब देता हूँ कि बेटा आप खुद जाइए, अप्रोच कीजिए, ये किसी के कहने से नहीं होता. आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो उसकी तरफ आप लोगों की कितनी तवज्जो है, या आप ये देखते हैं कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑडियंस बैठी है वो तो सिर्फ मायरा को देखेगी, या अब अहमद अली आ गए उन्हीं को देखेगी, और जब और भी बाहर शायात हुई दूसरे हुए ये सिर्फ उनको देखेगी तो हमारा प्ले चलेगा, ये कितनी थॉट है आपके जहन में? सुल्ताना आप जवाब दीजिए क्योंकि आप बहुत उमदा प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं. नहीं, हम इस पर दानिस्ता कोशिश करते हैं, और आपने देखा अगर इतने प्लेस में इतने लोग आए हैं तो वो इसी वजह से आए हैं कि ये कोशिश है, लेकिन जितने आने चाहिए वो है नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब तक ये इंस्टीट्यूट, जैसे इन्होंने कहा, न सीखा जाता है न क्या, कोई बस ऐसे ही लोग कहते हैं हमें शौक है, और कई शौक़ वालों को हम बुलाते हैं और उसके बाद वो जो शौक़ देखते हैं कि आप सिखा दीजिए, अब आपको भी पता होगा यानी शौक़ और सीखने में बड़ा फ़र्क है. दूसरा, हमने मॉर्निंग शो में ये किया था जो हम न्यूज़ के, कि आप अपनी वीडियो बना के जो भी हमने कहा है कि कर रहे हैं कुछ भेज दें, ताकि आसानी हो जाए, कुछ हम स्क्रिप्ट दें या अपना स्क्रिप्ट करके 30 सेकंड या 1 मिनट का. तो आपने पोर्टल बनाया हुआ ऐसा? जी जी जी, ताकि उस तरीके से बीच बीच में हम करते रहते हैं, ताकि लोग आएँ और उनको हम देखते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं, और काफ़ी लोग जो नए आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं. अच्छा. और
एमडी प्रोडक्शन और मोमल प्रोडक्शन, उसमें काम भी करते रहते हैं, बुलाते भी रहते हैं, ऑडिशंस भी करते रहते हैं। अच्छा, मैं अपना एज ए मॉडरेटर प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करते हुए मैं डिस्कशन के दौरान ही Q&A's शुरू कर रहा हूँ, लिमिटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर ऑडियंस में से कुछ करना चाहें किसी भी अदाकार से या प्रोड्यूसर से या सारे मेरे मौजूद मेहमान बैठे हैं यहाँ मशहूर, तो वो इब्तिदा कर सकते हैं, फिर बाद में मैं डिस्कशन शुरू कर दूँगा। क्योंकि मैं राहिला को मैं उससे मेरी जंग है इस मामले में, वो टाइम नहीं देती आगे, तो मैंने कहा अभी मेरे पास है टाइम तो अभी कर लो Q&A, फिर बाद में हम एंड अप करेंगे डिस्कशन पे। आप भी खड़ी हो जाएं और सवाल करें, किससे करना चाहती हैं, नाम लें। मैं भी मिस सुजाना सदीकी। मेरा ये सवाल है कि बात बहुत स्क्रिप्ट्स पे हुई कि स्क्रिप्ट अच्छी है, वो मुझे यू नो पीपल हैव एडमिटेड कि स्क्रिप्ट्स की कमी है, बट देन what is being done, because some of our best shows like Chirag, like a lot of our shows have to now go to an Indian platform to be showcased, so hum wo wali stories, wo wali scripts Pakistani mainstream channels pe kyun nahi dikha sakte? Chirag sahab, Mr. and Mrs. Shamim ek naya show, to is tarah ki stories aur ye Pakistani platforms pe ya channels pe kyun nahi aa sakte? हमारे पास यहाँ पे जो है बहुत सी पाबंदियाँ भी होती हैं, तो चुड़ैल जैसा तो हम चला ही नहीं सकते। बाकी मैंने मिस्टर शमीम नहीं देखा है, तो उसको देख के मैं बता दूंगी। कोशिश मेरी ज़रूर होती है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट उठाऊं, तो अगर मुझे मौका मिले और जो लोग हम पर पाबंदी लगाते, मुझे तो उडारी तक पे मेरी पेशी हो गई थी कि चाइल्ड अब्यूज़ पे क्यों, तो इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए जो है। एनीबॉडी एल्स? आप खड़े होके तुम जब कर रहे हैं, आप सब माइक करीब करके, आवाज़ क्लियर आए, करीब कर लें माइक करीब कर लें। जी Pushna, when your mom was expecting you, I was in Toronto, she was staying with Arshad bhai, if you remember. Yes, I was there. And then I saw you as a young child. Nice to meet you again. Hi. So Sultana, aap se yehi hai ki itne accolades mil chuke, you reached the zenith of commercial success. Zenith of commercial success. Aapki jo tarakki hai wo, आप एक रिस्क लेकर कहीं से स्क्रिप्ट तलाश कीजिए जहां मरीना, सबा हमीद और इस एज ग्रुप के कैरेक्टर्स मेन स्ट्रीम सेंट्रल कैरेक्टर हो। यू हैव इतना पूल ऑफ एक्टर्स है, ये कब तक अम्माएं, फूफियाँ और भाभियाँ और वो बंदी रहेंगी? नंबर टू म्यूजिक एंड चिल्ड्रंस प्लेज, इतना बड़ा दर्द है एंड यू हैव fabulous actors. और माहिरा और अकबर को आपने एक लाइन में कहा, राजू I disagree with that, he's an actor, she's a star. मैंने क्या कह दिया, मुझे क्या करना है? आपने एक लाइन में किया, he's a good actor, so please come out of stardom, indulge in acting, and Sultana, you are the answer of it. मेरी एक प्रॉब्लम है कि अगर इको के साथ आवाज़ आती है तो मुझे ज़रा क्वेश्चन कम समझ में आता है। तो चलें, एक बात तो आपको ये बताऊं कि इस उम्र में आप ये देखें, हदीका को हमने जब उठाया और इस किस्म के रोल जो है ना इस एज ग्रुप में ज़रा कम निकलते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश तो करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों, तो मज़ीद भी कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल क्या था? हेलो, ओके। बच्चों का जो है मैं शुरू करने वाली हूँ, यानी प्ले तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन चैनल शुरू करने वाली हूँ। आपके साथ डिस्कशन हुए, स्पेशली जो सवाल उठे उन पर आपके क्या ख्याल है? सवाल तो बड़े अच्छे उठे हैं, बहुत उम्दा लोगों ने, बच्चों ने, हमारे बच्चियों ने सवाल किए हैं, लेकिन मैं खुद एक सवाल करना चाहता हूँ सुल्ताना से। सुल्ताना, ये जो
आपके जमाने में भी और जो पहले यानी हमारे जमाने में भी। एक तो ये बता दूं कि सुल्ताना गालिबन 70 के बाद आई है पीटीवी में, बिल्कुल। तो मैं 70 में चला गया था लाहौर, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं सुल्ताना के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता। ये खुशकिस्मत यह है कि जब सुल्ताना ने ये माशाल्लाह अपना चैनल शुरू किया, अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, तो मुझे मौका मिला। मैंने उनके बहुत से किए, अच्छा लगा मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुल्ताना से कि सुल्ताना, ये जो हमारे ज़माने में कास्टिंग होती थी, तो जब लिखा जाता था ना स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट को पढ़ के डायरेक्टर यानी प्रोड्यूसर ये देखता था कि इस कैरेक्टर में मुझे कौन नज़र आ रहा है, इस कैरेक्टर में मुझे कौन किसकी झलक नज़र आ रही है, मैं उससे कराऊं। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये हो गई है, खासतौर पे चैनल्स की, कि वो उनके यहाँ जो ये जो एक डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं उसे, जो पैसे कमाने वाला, मार्केटिंग जो एक डिपार्टमेंट है, अब कास्टिंग वो करने लगा है, डायरेक्टर नहीं करता। अब वो उसके ऊपर जोर डालते हैं मार्केटिंग वाले कि नहीं उसको लो, चाहे वो उस कैरेक्टर में फिट है या नहीं। क्या ख्याल है इन जनरल? आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे टेलीविजन के लिए मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि जब नए नए लोग उठा हम लेते हैं तो यही बात होती है कि आप नया ले रही हैं, इसका क्या होगा। मैं अहमद अली के लिए बताऊं कि लोगों ने मुझे कहा था कि कभी बम फट रही है, हमारे पास ये नहीं होता है, हम देखते हैं और उसके हिसाब से सोचते हैं कि फला जो स्टेज पे भी अच्छा था वो बंदा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हमारी जो सेल्स और मार्केटिंग है वो अब हम पे ट्रस्ट करने लगे। सही बात है, सही बात है। परिजात मियां, आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द शोबिज, स्पेशली रिलेटिंग टू द ड्रामा सीरियल? हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू सी दैट प्रोग्रेसिंग और रिग्रेसिंग और जस्ट बीइंग पार लेवल? एक उन्होंने बात की बहुत जरूरी कि हम बच्चों का कंटेंट नहीं बनाते। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। हमने अपने आप को खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपनी जो ऑडियंस है उसको खुद ही हमने छोटा किया है, खुद ही हमने तंग किया है, खुद ही हमने बिल्कुल महदूद कर दिया है कुछ लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, मेरा ख्याल है कहानियाँ बहुत से डिफरेंट लोगों के लिए लिख सकते हैं, पूरे माशरे को जहन में रखते हुए लिख सकते हैं। और बच्चों की, बच्चों का कॉन्टेंट बहुत ज़रूरी है, मेरा पर्सनल मानना है। बट आई थिंक बेहतर होता जा रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है। नई लोग चैलेंज कर रहे हैं, नॉन्स को स्टोरीज कोशिश कर रहे हैं लिखने की डिफरेंट। बट साथ साथ वही बात, ऐसा कंटेंट भी है जो मैं तो अपनी अम्मी को कहता हूँ कि प्लीज़ बंद कर दें, क्या देख रही हैं। अच्छा, तो वहाँ ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ अच्छा भी जा रहा है वहाँ बुरा भी होता जा रहा है। आप इनसे एग्री करती हैं? मैं एग्री करती हूँ। मैं लोगों, मैं ऐसा कंटेंट कर चुकी हूँ, तो मैं काफ़ी दफ़ा जब लोग कहते हैं कि आपका कोई ड्रामा आप बताए देखें, तो मैं कहती हूँ कि खुद से ना सर्च करें, मैं आपको बताऊँगी आप मेरा क्या काम देखें। जहाँ तक बच्चों की बात है, क्योंकि बहुत डिस्कस हो रही है, हमारे पास चाइल्ड परफॉर्मर्स बहुत कम है, बिकॉज आई फील लाइक परफॉर्मेंस इतनी इंकरेज नहीं की जाती। जब भी सेट पे बच्चों के, एक दो इस तरह की एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन जब भी सेट पे अक्सर बच्चों के साथ सीन होते हैं तो आर्टिस्ट सर पकड़ लेते हैं कि यार अब तो। हालांकि अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें, क्योंकि उनका कल्चर इतना परफॉर्मेंस बेस्ड है और बचपन से एक्टिंग, परफॉर्मेंस, नाचना गाना इनकरेज किया जाता है, आर्ट इनकरेज की जाती है, तो वहाँ पे तो बच्चा बच्चा परफॉर्मर है। यहाँ पे क्योंकि इंस्टीट्यूट्स नहीं है टू लर्न, कहीं आप भेज नहीं सकते। हम लोगों ने ऑन द जॉब सीखा हुआ है, तो हम, हमारे पुराने ड्रामे तो बल्कि बेहतर है कोई ना देखे। सो वी लर्न, हमारे उस्ताद हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, बच्चे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई फील लाइक टू मेक कॉन्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट प्रमोटिंग आर्ट इन स्कूल्स, ताकि उनको करना तो आए काम।
फिर आएंगे ना और वो कंटेंट बनाएंगे। हाँ जी, मैं खुद भी लिख रहा हूँ बच्चों के लिए जी। अच्छा। जी बच्चों का कंटेंट लिख रहा हूँ और एजुकेशन को उसमें एजुकेशन को किस तरह इंकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। प्लस मैंने अभी आज मैं इनकॉग्निटो होके घूम रहा था तो मैंने देखा यहाँ ग्राफिक नॉवेल्स बच्चों के कॉमिक्स हैं जिसमें एजुकेशन इंकॉर्पोरेट हुई है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आई माइट कॉन्टेक्ट देम। यूनिवर्सिटी प्रेस का काम है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट्स अमेजिंग। सो ये जो तुम लिख रहे हो जी जी अहमद मियां, उसमें जो बच्चे का कैरेक्टर है मैं कर सकता हूँ? डन हो गया, बिल्कुल अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता। ठीक है, मुनव्वर भाई का हर ऐसे शो में होना इसीलिए जरूरी है। अब कोई सवाल आ रहा है, जरा बीबी अपना ये मास्क उतार दीजिएगा, ये जालिम समाज का जो मास्क है, और माइक जरा करीब करके बोलिएगा। और करीब कीजिए माइक, आवाज नहीं आ रही। आप सबको मेरा सवाल बिलखसूस सुल्ताना अप्पा और मदीना जी आपसे है कि किसी भी माशरे में कल्चर बहुत वैल्यू रखता है। जब आप ड्रामे और इंडस्ट्री की बिलखसूस बात करें तो पहले हमारे ड्रामे जो थे कहीं ना कहीं कल्चर की वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनते थे, अब इतना रोमेंटिसाइज क्यों कर दिया गया है? और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि बस हीरो हीरोइन वाला रोल है। परिजाद इज एक्सेप्शन, वो बहुत बेहतरीन एक आपका ड्रामा था नो डाउट, लेकिन अब इतना रोमेंटिसाइज क्यों कर दिया गया है? कल्चर वैल्यूज ठीक है मद्देनजर रखी जाती है लेकिन उस तरह से नहीं, बढ़ गया है बहुत आगे, बढ़ना चाहिए, तब्दीली बेहतरी के लिए भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कल्चरल वैल्यूज को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो प्लीज आपसे जवाब चाहती हूँ। मैं सवाल नहीं समझी, रोमांटिसाइज किया जा रहा है क्या? क्या क्या रोमांटिसाइज किया जा रहा है? माइक देने एक मिनट, इंटरेस्टिंग सवाल है रोमांटिसिज्म पे जो है। मतलब कि दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन आखिर में मिल गए, बेडरूम सीन्स दिखाए जा रहे हैं, या इस तरह से आखिर में स्टोरी यही होती है कि हीरो जो है वो हीरोइन को मिल गया, या कुछ भी करके हीरो हीरोइन वाला सीन ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो आपको रोमांस नहीं पसंद? कहीं ना कहीं जो है वो कल्चरल वैल्यूज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जी। रोमांस के बगैर जिंदगी नहीं है, ये तो तय बात है। इसमें जो आप कह रही हैं कल्चर बहुत दिखाया जाता है, ये नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा हर एक चैनल पे 21 ड्रामे एक हफ्ते में चलते हैं तो उसके सब किस्म के होते हैं, ये आप नहीं कह सकते। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अब मुझे भी तकलीफ देते हैं, आपको भी तय कि औरत को मार 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 करने कितने चांटे पड़ेंगे, तो ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप अभी जिक्र कर रहे हैं। मैं अब क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन हर किस्म के हैं, अपनी अपनी पसंद का ड्रामा देखिए और शौक पूरा कीजिए। अच्छा, हर हर उम्र में रोमांटिसिज्म तो होता है। मसलन एक ड्रामा हमारे पड़ोसी मुल्क का बड़ा देखा जाता है, अब भी शायद चल रहा हो, सास भी कभी बहू थी, है ना? तो बहू चुपके से घर से निकली, चुपके, तो सास ने देखा, देख के कुछ नहीं कहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मरीना अहमद का ये जो कामयाबी है परिजात की, आप इसको किस पैराए पे देखती हैं? इन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, इफ वी अगर अगर हमारी स्क्रिप्ट्स परिजात के लेवल के आना शुरू हो जाएं, आई थिंक मसला ये है कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी आएगी तो परिजात जैसा कैरेक्टर नहीं आएगा, अदाकार नहीं आएगा। नहीं, नॉट नेसेसरीली, बट आई एम सेइंग स्क्रिप्ट्स लाइक परिजात वाज बेसिकली एन एंटी हीरो, ही वाजंट रियली अ हीरो, ही वाज एन एंटी हीरो, ठीक है, डन, बट ही वन आवर हार्ट्स बिकॉज़ दिस इट वाज जस्ट रिटन सो ब्यूटीफुली एंड ही परफॉर्मड इट सो तो वो कैरेक्टर्स कहाँ हैं? मैं वही कह रही हूँ ना कि जब तक हमारी स्क्रिप्ट्स बेहतर नहीं होंगी, आई थिंक
ऑल इम्पॉर्टेंट शो है स्क्रिप्ट पे, और फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं हमारी प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन वैल्यूज जो हैं अनफॉर्चुनेटली आई एम इंक्लूडेड इन दैट, आर्टिस्ट सारे पैसे ले जाते हैं एंड इट बैलेंस जो है ना हमारा अभी जो इसका बहुत आउट है बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द मनी गोज टू द एक्टर एंड वेरी लिटिल मनी इज लेफ्ट फॉर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम टाइम नहीं लगा सकते. जो हम कहते हैं ना कि हम 12 सीन्स एक दिन में कर रहे हो या 10 सीन्स एक दिन में कर रहे हो, वेर इज वी शुडंट बी डूइंग मोर देन 6 सीन्स और 7 सीन्स इन अ डे, कि आप बेहतर काम कर सकें, आप उस एक सीन को वो जस्टिफिकेशन वो प्यार और लव दे सकें जो वो एक्टर को दे सकें. भाग भाग दौड़ के हम लोग काम कर रहे होते हैं बिकॉज हमको पता है कि भाई वी हैव टू मीट दिस टारगेट. But I think scripts like Parizat are rare. The fact that इतनी popularity मिली है, मेरा दिल इतना खुश होता है because इसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई ये there is a market for stuff like this. हम जब कहते नहीं नहीं वो तो audience accept ही नहीं करेगी, audience देखेगी नहीं. किस audience की बात कर रहे हैं आप? अगर यही audience Parizat को accept कर रही है और सास बहू को कर रही है तो हम दोनों चीज़ें parallel क्यों नहीं कर रही? जो आपने इम्बैलेंस की बात की, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि देखें अभी हमारा माशरा इस तरफ जा रहा है कि लिखना तो दूर की बात, बच्चे पढ़ना भी नहीं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो राइटर्स कैसे पैदा होंगे? और राइटर तब पैदा होंगे जब उनको वो ड्यू रिकग्निशन मिलेगी, और राइटर्स को रिकग्निशन मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है. ये इम्बैलेंस ऑफ के एक्टर्स इतनी ज़्यादा शोहरत ले लेते हैं और हमारी प्रोडक्शन और बाकी लोग नहीं लेते, ये इम्बैलेंस आपके लिए पॉइजनस भी हो सकता है आगे जाके. हम एक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं, हमें जो हमारे साथ इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं क्रू, वो सफ़र कर रहा होता है, उनको वो नहीं जो वो डिज़र्व करते हैं नहीं मिल रहा होता, उनकी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है सेट पर कभी आके देखे, तो सबको थोड़ा सा इस बैलेंस को वापस ज़रा अलाइन होना है, उसकी वजह से हम कलेक्टिवली प्रोग्रेस कर सकेंगे, वरना हम शख्सियत परस्ती पर रह जाएंगे. सुल्ताना, यहाँ अहमद ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो पहले से और आज के ज़माने में जो बदलते नकुश के तहत ये जो पेमेंट सिस्टम है, पीटीवी के ज़माने में हमें याद है कि हम सीरियल अपना ख़त्म करके जाते थे और एक हफ्ते बाद वो रुबीना के पास आते थे, वो टाइपराइटर पर बैठ के थक थक चेक करके बहुत अय्याशी होती थी कि जब 50 रुपए का चेक मिलता था कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी. आजकल सुनने में आया, मैं तो काफ़ी अच्छे से जो 2018 की बात से ज़रा कम आया हूँ वो आपके अन्ना में उसके बाद, मगर मुझे तो प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गई थी, मगर सुनने में ये आ रहा है कि पेमेंट में 90 और 120 डेज का गैप आ रहा है फॉर एन आर्टिस्ट टू रिसीव द पेमेंट फॉर द टैलेंट फीस और व्हाटएवर यू कॉल. इसके ऊपर आप क्योंकि यू ओन अ प्रोडक्शन हाउस एंड मरीना यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद अ प्रोडक्शन हाउस नाउ एंड यू आई मीन ऑफकोर्स यू आर अ हायर डायरेक्टर ऑफकोर्स डायरेक्टर फॉर हायर यस सर. सो वी आर ओनली सुल्ताना लेफ्ट हियर हु कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रीज़न, क्या आप लोगों की भी बिल रिसीवेबल होते हैं जो आप लोगों को भी आना होता है पैसा जो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? क्योंकि कई लोगों का तो ये ब्रेड एंड बटर है जो एक्टिंग है and they live on that, तो उसकी जो gap आती है तो they can suffer. So what do you have to, I mean, in all honesty, what do you have to say, Sultana? देखिए, time पे मिलना चाहिए, बिल्कुल ये मेरा है कि artist जब काम करके जाता है तो जो आपका agreement में है वो होना चाहिए, होता नहीं है हमारे. मैं अभी पूरे जनरल सारे channels की बात कर रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि वाहिद मैं बार बार कहती हूँ हम टेलीविज़न है जो पैसे देता है, आप इस बात को एग्री करेंगे और टाइम पे देता है. अच्छा, अब थोड़ा बहुत होता हमारा पेमेंट का, एक सारे आर्टिस्टों को हम बताते हैं कि हमारे जो अगर आपको वो बता रहे हैं कि अप्रैल में मिलेगा तो हमारी साइनिंग चेक्स जो है एक होता है 25 तारीख को, एक होता है 10 तारीख को, तो अगर 10 तारीख में नहीं आया चेक तो 25 को मिल जाता है. अब आते हैं हम कि हमारे पास भी जो है वो मार्केटिंग से, जैसे मतलब एडवर्टाइज़र जो है हमें 90 डेज़ के बाद देता है, आपको पता है
कि 90 डेज के बाद हमें पेमेंट होती है, वो 90 डेज नहीं करता है, वो भी 6 महीने लगा देता है, 3 महीने लगा देता है, लेकिन हम, मैं अपने हम टेलीविजन के लिए कहती हूँ कि हम लोग टाइम पे देते हैं। पे भी वाहिद टेलीविजन है जो 28 तारीख को पे करता है अपने एम्प्लॉइज को। टाइम आपका ख़त्म हो गया, वो लोग बार बार बता रहे हैं। वो ये है कि मैं, जब आपने मुझसे सवाल पूछा और मैंने वो एम मनी वर्ड जब इस्तेमाल किया और मैंने ये भी OTT प्रोडक्शंस जो हो रही है उनकी बात की, सो दैट्स अ प्राइम एग्जांपल कि जब अच्छा कंटेंट बनता है और उसमें पैसे आते हैं और आर्टिस्ट को टाइम पे पेमेंट मिलती है, तो बिकॉज ये हमारा, मेरा खासतौर पर सोल ब्रेड एंड बटर है, हम ज़्यादा टाइम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार खिलाड़ी की एग्जाम्पल दी, अगले दिन एक्ट्रेस को चेक्स मिल गए। सो अगर मुझे पता है कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो बहुत अच्छा कंटेंट है और उस पर मेरे बहुत डेज रिक्वायर्ड है रिहर्सल्स के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए, मेहनत के लिए, और मुझे पता है कि अब मुझे फिक्र नहीं करनी कि मैं जो अपने बिल्स पे करूँगी वो कैसे करूँगी क्योंकि मुझे पैसे टाइम पे मिलेंगे, तो वो जो ठहराव जिसकी बात मरीना जी कर रही थी जो एक्टर्स में लाजमी है वो मिलेगा उस डेडिकेशन के साथ। आई नो कि अहमद ने एक पूरा साल परिजात को डेडिकेट किया बिकॉज उसको पता था कि एक अच्छा कंटेंट है, वी विल गेट पेड फॉर इट, सो वो डेडिकेशन मिलेगी व्हेन एवरीबॉडी पेड ऑन टाइम। Somebody wants to have a question, please इनको माइक दीजिएगा वहाँ। बीबी उधर आप कर रही हैं सवाल? जी, खड़े होकर कर दे, बिल्कुल माइक करीब रखिएगा। सबसे पहले तो सुल्ताना आपा, जल्दी कर दे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, एक मिनट रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो कह रहे थे कि आप नए बच्चों को चांस देते हैं, आपने मेरी बेटी को चांस दिया मोमल प्रोडक्शन में, शी इज वर्किंग नाउ। और लेकिन ये मैं कहूँगी जब वो अपनी स्टडीज कर रही थी तो उस वक्त उसको कई बार बुलाया लेकिन हम टीवी वालों ने ही उसको ये कह के मना कर दिया था उसको कि वो स्टडी करिए, वी कांट टेक हर। तो उस वक्त मैं ये कहूँगी बच्ची बच्चों से, आप कह रही थी कि चांस हम देना चाहते हैं नहीं मिलता जब वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसकी स्टडीज हो गई है ना मोमल प्रोडक्शन, शी इज़ वर्किंग विद मोमल प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन हर चांस। और दूसरा मरीना का आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपने BA किया था BCHS से, आई हैव योर पिक्चर, वी गेव यू फेवर, वी गेव यू फेवर एंड यू वर स्टैंडिंग असाइड एंड आई टोल्ड यू प्लीज कम एंड ज्वाइन विद अस, तो वो पिक्चर मेरे पास आज भी सर है, देखना चाहेंगे आप? उधर ले जाइएगा माइक, उधर माइक ले जाएं। Just about 30 seconds left, I'm going to end up. Please, hurry up. मेरा करीब करके दो से बोलिएगा। आपसे तो प्लीज के ये आंगन कब आएगा हम टीवी पर, उसके YouTube के ऊपर, क्योंकि हम लोग तो बगैर एडवर्टाइजमेंट के प्लेस देखते हैं। एक तो आंगन नहीं आया, वो बहुत ब्यूटीफुल प्ले था। दूसरा आप, क्योंकि सिनेमा इतना कम है, तीसरे चौथे छः महीने के बाद एक फिल्म बना दे टीवी के लिए अच्छी सी, हम कहने की सिनेमा इतना, आंगन को आपने अपलोड नहीं किया अब तक यूट्यूब पे, सुल्ताना आंगन अब तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ और कुछ फिल्में बनाए। कर लूंगी मैं, मुझे नहीं पता कि क्यों यूट्यूब पे नहीं है, अगर नहीं है तो उसका कोई रीजन होगा, लेकिन लगवा देंगे अगर, और फिल्म भी लगवा देंगे। फदीन हजरात, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुनव्वर सईद साहब का, प्लीज स्टैंड अप। सुल्ताना सिद्दीक उधर, मरीना खान का, अहमद अली अकबर का और उष्णा शाह का, कि आपके सामने आए और एक बहुत ही उम्दा डिस्कशन हुआ, आप लोगों को भी मौका मिला सवाल करें और जो सब्जेक्ट था उस पर हमने पूरी तरह से बात की। आप सबका बेहद शुक्रिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान, कराची लिटरेरी फेस्टिवल, राहिला बकाई, अरशद साहब, मनीजा अली, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। BA की पिक्चर देखना है, BA वाली पिक्चर।
पिक्चर जो दिखा रहा हूँ ये वाली पिक्चर Thank you.